हेलो फ्रेंड्स, तो कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 5 टेस्ट और नॉलेज के क्वेश्चंस। और इसमें है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सबसे पहले तो पहला है, वर्षा लिमिटेड डिसाइड्स टू रेज डिपॉजिट ऑफ 20 लाख फ्रॉम इट्स मेंबर्स। वर्षा लिमिटेड अपने ही मेंबर से 20 लाख रेज करना चाहते हैं, डिपॉजिट लेना चाहते हैं। हाउएवर इट प्रपोजेज टू सिक्योर सच डिपॉजिट्स पार्शली बाय ऑफरिंग अ सिक्योरिटी वर्थ ₹15 लाख। अब उस डिपॉजिट को वो सिक्योर करना चाहते हैं कि भाई आप सिक्योरिटी के तौर पे ये डिपॉजिट्स के अगेंस्ट जो है ये सिक्योरिटी हम ऑफर कर रहे हैं सिक्योर करने के लिए, 15 लाख की सिक्योरिटी दे दी, मतलब शेयर्स मान लो। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब सच डिपॉजिट। तो अब ऐसे जो 20 लाख की डिपॉजिट थी बट 15 लाख का ही सिक्योर हो पाया है, तो ऐसे केस हम क्या बोलेंगे इसको, हम फुली सिक्योर डिपॉजिट बोलेंगे एक्सेप्ट अ स्मॉल पोर्शन। फुली सिक्योर तो बोल नहीं सकते क्योंकि 15 लाख ही सिक्योर हुआ है। क्या ये अनसिक्योर डिपॉजिट माना जाएगा, क्या ये पार्शली सिक्योर डिपॉजिट माना जाएगा, या दिस कैन नॉट बी क्लासिफाइड, या फिर इसको हम डिपॉजिट मानेंगे ही नहीं। तो इसका आंसर है बी, अनसिक्योर डिपॉजिट है ये। ये क्या है, अनसिक्योर डिपॉजिट। चाहे वो थोड़ा अमाउंट भी अनसिक्योर रह गया लेकिन इसे हम बोलेंगे अनसिक्योर डिपॉजिट। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मैक्सिमम टेन्योर फॉर विच अ कंपनी कैन एक्सेप्ट और रिन्यू डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स एज वेल एज पब्लिक। क्या वो मैक्सिमम टेन्योर है जिसके लिए कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है डिपॉजिट। तो हमने पढ़ा था कि मिनिमम 6 महीने है और मैक्सिमम 36 महीने। तो आंसर होना चाहिए इट्स सेकेंड का सी, 36 मंथ के लिए डिपॉजिट ले सकते हैं। नाउ थर्ड, फिन लिमिटेड इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स ऑफ वेरियस टेन्योर्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। फिन लिमिटेड जो है वो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती रहती है अलग अलग टेन्योर के लिए अपने मेंबर्स से टाइम टू टाइम, जब जब उसको जरूरत होती है। नाउ द करंट रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट मेंटेन एट रजिस्टर्ड ऑफिस इज कंप्लीट। जो करंट रजिस्टर है डिपॉजिट्स का वो रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन किया जाता है। नाउ स्टेट द मिनिमम पीरियड फॉर विच इट शुड मैंडेटली बी प्रिस्क्राइब्ड इन गुड ऑर्डर। कब तक के लिए उसको बना के रखना है वो रिकॉर्ड्स। 4 ईयर्स फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर इन विच द लेटेस्ट एंट्री इज मेड इन द रजिस्टर। उस रजिस्टर में जब एंट्री बनाई गई है लास्ट एंट्री, वहाँ से 4 साल, ठीक है ना, फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर, या फिर 6 ईयर फ्रॉम द फाइनेंशियल जिस दिन लास्ट एंट्री उस रजिस्टर में की गई, या फिर 8 साल जिस दिन लास्ट एंट्री उस रजिस्टर में हुई है, या फिर 10 ईयर्स। तो थर्ड का सी है 8 ईयर्स, 8 साल, 8 ईयर्स फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर इन विच द लेटेस्ट एंट्री इज मेड इन द रजिस्टर, इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4, एवरी कंपनी शैल पे अ पेनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। सभी कंपनी पेनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करती है ओवर ड्यू पीरियड के लिए अगर डिपॉजिट टाइम से जम पेमेंट नहीं हुई है। तो बताइए वेदर सिक्योर और अनसिक्योर्ड मैच्योर्ड एंड क्लेम बट रिमेनिंग अनपेड। चाहे वो अनपेड रह गया, चाहे वो सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड हो, तो कितना परसेंट रेट इसको देना पड़ेगा। तो मैक्सिमम जगह पेनल्टी जो वो 18% से है, तो यहाँ पे 18% इसका आंसर फोर्थ का सी। नाउ फिफ्थ, एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट एंड रेलिवेंट रूल्स दे आर अंडर एन एलिजिबल कंपनी इज नॉट परमिटेड टू एक्सेप्ट फ्रॉम पब्लिक और रिन्यू द सेम डिपॉजिट। कंपनीज एक्ट के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से जो एलिजिबल कंपनी होती है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकती है, नॉट परमिटेड टू एक्सेप्ट फ्रॉम पब्लिक और रिन्यू द सेम डिपॉजिट विच इज रिपेबल ऑन डिमांड और लेस देन। कितने महीने से कम पे अगर होगा तो नहीं एक्सेप्ट कर सकती है, और कितने से महीने से ज़्यादा का होगा तो एक्सेप्ट नहीं कर सकती है, चाहे वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए ही हो। तो हमने एक एग्जांपल भी देखा था कि 6 महीने से होता है लेकिन अगर वो 3 महीने आर्टिकल में लिख देता है तो वो 3 महीने से कम का नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब देख लेते, बट फॉर द पर्पस ऑफ मीटिंग शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट कंपनी में एक्सेप्ट रिन्यू डिपॉजिट फॉर पेमेंट अर्लियर देन। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स है तो किससे ज़्यादा, किससे कम भी रखते हैं तो पेमेंट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट हमने देखा था 3, नॉर्मल देखा था हमने 6 महीने। तो इसका आंसर है फिफ्थ का ए, 6, 36 और 6। 6 महीने, फिर मैक्सिमम 36 महीने, ये तो नॉर्मल हो गया। और जो शॉर्ट टर्म है उसके लिए भी अगर आर्टिकल में 6 महीने से कम का पीरियड नहीं है, जैसे कि 3 महीने, तो यहाँ पे कुछ ऐसी बात लिखी नहीं गई, तो उसमें 6 ही माना जाएगा। शॉर्ट टर्म पीरियड जो है मैक्सिमम, मतलब मिनिमम 6 महीने तक में के लिए रीपेमेंट करना होगा, तो उसको शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स बोल सकते हैं। ऊपर के जो दो फिल इन द ब्लैंक्स थे कि
मिनिमम अर्लियर मैक्स मतलब जल्दी से जल्दी कितने महीने में पेमेंट कर सकते हैं डिपॉजिट की रीपेमेंट, तो 6 महीने और मैक्सिमम 36 महीने, और शॉर्ट टर्म के लिए पैसा ले रहे हो तो 6 महीने के लिए ले सकते हो। तो इस तरीके से हमने इसके MCQ वाले क्वेश्चंस कवर कर लिए। अब हम कवर करते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है एन्यूमरेट द अमाउंट्स विच व्हेन रिसीव्ड बाय अ कंपनी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस आर नॉट टू बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट। वो अमाउंट बताइए जब कंपनी कोई अपने बिजनेस के दौरान पैसा लेती है तो उसे डिपॉजिट्स नहीं ट्रीट किया जाएगा, उसे डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे आपको पूरे के पूरे रूल्स लिखने हैं जो इसके प्रोविजन है। अकॉर्डिंग टू रूल 2 ऑफ द कंपनीज रूल 2024-2014 फॉलोइंग अमाउंट्स इफ रिसीव्ड बाय अ कंपनी इन द कोर्स ऑफ और द फॉर द पर्पसेज ऑफ The business of the company shall not be considered as deposit। कौन कौन से अमाउंट को डिपॉजिट नहीं ट्रीट किया जाएगा। ए एनी अमाउंट रिसीव्ड एज एन एडवांस फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस अकाउंटेड फॉर इन एनी मैनर वॉट सो एवर टू बी अप्रोप्रिएटेड विद इन पीरियड ऑफ 300 विद इन अ पीरियड ऑफ 365 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ सच एडवांस। मतलब कोई गुड्स या सर्विस के बदले में एडवांस ले लिया, 1 साल के लिए एडवांस ले लिया, तो उसको डिपॉजिट ट्रीट नहीं करेंगे। हाउएवर इन केस ऑफ एनी एडवांस सब्जेक्ट मैटर ऑफ एनी लीगल प्रोसीडिंग्स बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ द टाइम लिमिट ऑफ 365 डेज शैल नॉट अप्लाई। अगर कोई एडवांस लीगल प्रोसीडिंग में चला गया है, लॉ के मतलब कोर्ट में अगर उसकी डीलिंग हो रही है, तो ऐसे केस में जो 365 दिन की जो लिमिट है वो एप्लीकेबल नहीं है। Now B, any amount received as an advance in connection with the consideration for an immovable property under an agreement or arrangement, however such advance is required to be adjusted against such property in accordance with the terms of agreement or arrangement। अगर किसी property के against कोई पैसा advance में ले लिया तो उसे deposit treat नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो advance है वो उस property के against adjust होने वाला है उसकी transactions। Now see, any amount received as security deposit for the performance of the contract for supply of goods or provision of service। कंपनी कोई सप्लाई ऑफ गुड्स करना चाहती है, कर रही है या सप्लाई ऑफ सर्विस करेगी, लेकिन उसके बदले में उन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट ले लिया सामने वाले कस्टमर से, तो उसे भी डिपॉजिट ट्रीट नहीं करेंगे। Now D, any amount received as advance under long term projects for supply of capital goods except those covered under आइटम बी एवम। अगर कोई कैपिटल गुड्स किसी कंपनी किसी को दे रही है और उसके बदले उसने लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए उसके बदले उसने डिपॉजिट ले लिया या फिर कोई पैसा ले लिया, तो वो पैसा जो लिया है कैपिटल गुड्स के बदले उसे डिपॉजिट नहीं मानेंगे। एनी अमाउंट रिसीव्ड एज एन एडवांस टुवर्ड्स कंसिडरेशन फॉर प्रोवाइडिंग फ्यूचर सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ वारंटी और मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। कोई वारंटी और मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट किया है ना, कॉमन बिजनेस प्रैक्टिस में मतलब तो 5 साल के लिए लोग करते हैं, तो ऐसे केस में अगर कोई अमाउंट रिसीव किया उस फ्यूचर सर्विस के अगेंस्ट, तो उसे भी डिपॉजिट ट्रीट नहीं करेंगे। नाउ एफ एनी अमाउंट रिसीव्ड एज एन एडवांस एंड एज अलाउड बाय एनी सेक्टोरल रेगुलेटर और इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग अगर कोई पैसा रिसीव किया है तो उसे भी डिपॉजिट ट्रीट नहीं करेंगे। नाउ सिक्स जी एनी अमाउंट रिसीव्ड एज एन एडवांस फॉर सब्सक्रिप्शन टुवर्ड्स पब्लिकेशंस वेदर इन प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट रिसीव्ड ऑफ सच पब्लिकेशन। कंपनी ने कोई पब्लिकेशन किया, कोई पब्लिश किया है, कोई आर्टिकल या कोई सब्सक्रिप्शन या कोई जर्नल है उसके अगेंस्ट कोई अमाउंट रिसीव किया है तो भी उसे डिपॉजिट नहीं करेंगे। तो ये सारे तरीके थे या रीजन थे जहाँ जहाँ पैसा लेने पे भी उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 कवर किया है। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय कंपनीज फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट। What are the exemptions available to a private limited company? अब वो सारे प्रोसीजर्स बताइए कि एक कंपनी को डिपॉजिट एक्सेप्टेंस करने के लिए फॉलो करना होगा, और exemptions भी बताइए जो कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अवेलेबल है। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 2, कहाँ से है ये एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स बाय अ कंपनी फ्रॉम इट्स मेंबर। तो उसके लिए उन्होंने रूल्स बना रखे हैं। तो देखो, सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ फॉलोइंग कंडीशंस, कौन कौन सी कंडीशन को फुलफिल करना होगा। ए
issuance of a circular to its members, including therein a statement showing the financial position of the company, the credit rating obtained, the total number of depositors, and the amount due towards deposit in respect of any previous deposit accepted by the company, and such other particular in such form and in such manner as may be prescribed. मतलब एक सर्कुलर इशू करेगी कंपनी अपने ही मेंबर को, उसमें कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताएगी, मतलब बैलेंस शीट पी एंड एल के बारे में बताएगी। उसके बाद क्रेडिट रेटिंग जो एजेंसी जो होती है जो कि कंपनी को रेटिंग देती है उसके भी रिपोर्ट्स बताएगी। उसके बाद सारे डिपॉजिटर्स जिन्होंने पहले अमाउंट दिया हुआ है उनकी भी एक्सेप्टेंस के बारे में बताएगी, और सारा का सारा जो रूल्स में लिखी गई है कंपनीज एक्ट की बातें हैं वो फॉलो करना पड़ेगा ताकि मेंबर को पता चले। नाउ बी फाइलिंग अ कंपनी ऑफ द सर्कुलर अलोंग विद सच स्टेटमेंट विद द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज बिफोर द इशू ऑफ डेट ऑफ इशू ऑफ सर्कुलर। जिस दिन आप सर्कुलर इशू करते हो उससे 30 दिन के अंदर अंदर सारे के सारे जो कॉपीज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं वो रजिस्ट्रार को फाइल करो। सी डिपॉजिटिंग ऑन और बिफोर द 30th day ऑफ अप्रैल ईच ईयर सच सम्स विच शैल नॉट बी लेस देन 20% ऑफ द अमाउंट ऑफ इट्स डिपॉजिट मैच्योरिंग ड्यूरिंग द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर एंड केप्ट इन अ शेड्यूल बैंक इन अ सेपरेट बैंक। वो अमाउंट डिपॉजिट कर दो किसी शेड्यूल बैंक में हर साल के 30 अप्रैल को, जो कि अगले एक साल में पेमेंट होने वाली है, और जो पेमेंट का जो अमाउंट है वो 20% से कम नहीं होना चाहिए, वो अमाउंट डिपॉजिट करना होगा। ठीक है, नाउ सी ये तो हो गया, और उसके बाद आगे है सर्टिफाइंग दैट कंपनी हैज नॉट कमिटेड एनी डिफॉल्ट इन द रीपेमेंट डिपॉजिट एक्सेप्टेड आइदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ एक्ट। और यह भी सर्टिफाई कीजिए कि कंपनी ने कोई डिफॉल्ट नहीं किया डिपॉजिट की पेमेंट करने में पहले या फिर आफ्टर इस एक्ट के आने से पहले या इस एक्ट के आने के बाद भी। ठीक है, डिफॉल्ट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट सच डिफॉल्ट हैड अकर्ड द कंपनी मेड गुड द डिफॉल्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years एंड लेफ्ट सिंस द डेट ऑफ मेकिंग गुड द डिफॉल्ट। अगर 5 साल का कोई अगर डिफॉल्ट किया है और 5 साल बीत गए हैं तो वो भी चीज़ें बतानी पड़ेगी। Now F providing security if any of the due repayment of the amount of deposit or the interest thereon including the creation of such charge on the property or assets of the company। जो कंपनी की जो प्रॉपर्टी है उसके अगेंस्ट चार्ज क्रिएट हो जाना चाहिए। तो ये सब तरीके हैं तभी जाके कंपनी पैसे ले सकती है एज ए डिपॉजिट। सॉरी ये थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही होगी, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है साइड बगल में, या तो अभी रिकॉर्ड नहीं करते हैं, लेक्चर बाद में कर लेंगे। नाउ एग्जेम्पशन टू सर्टेन प्राइवेट कंपनीज। प्राइवेट कंपनीज को लेकर क्या एग्जेम्पशन है, तो देखो अगर किसी प्राइवेट कंपनी ने कोई डिफॉल्ट नहीं किया है ना, तो और नो कोई द फाइलिंग ऑफ तो क्या क्या करना पड़ेगा। ए विच एक्सेप्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स मनी इज नॉट एक्सीडिंग 100% ऑफ एग्रीगेट द पेड ऑफ शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट और पेड अप शेयर कैपिटल का 100% डिपॉजिट मांग सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। विच इज अ स्टार्टअप फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। जो कि कंपनी क्या होनी चाहिए, स्टार्टअप होनी चाहिए फॉर 5 years अपने इनकॉर्पोरेशन के 5 साल तक। विच फुलफिल्स ऑल द फॉलोइंग कंडीशन, वो सारी कंडीशन फुलफिल करे। विच इज़ नॉट एन एसोसिएट और सब्सिडरी कंपनी ऑफ एनी अदर कंपनी, वो एसोसिएट और सब्सिडरी कंपनी ना हो किसी अदर कंपनी की। इफ द बोरोइंग ऑफ सच अ कंपनी फ्रॉम बैंक्स और फाइनेंशियल और एनी बॉडी कॉर्पोरेशन लेस देन 2x ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल एंड 50 crore विच एवर इज लोअर। तो जो बोरोइंग है बैंक से वो दोगुने से कम होनी चाहिए, अपने पेड अप कैपिटल के दोगुने से कम होनी चाहिए या फिर 50 crore से कम होनी चाहिए। सच अ कंपनी हैज़ नॉट डिफॉल्टेड इन द रीपेमेंट ऑफ सच बोरोइंग, और इस ऐसे बोरोइंग की पेमेंट भी कंपनी ने कोई डिफॉल्ट ना किया हो एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, जिस दिन डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी कवर कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 से आगे हम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 3 कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।